Hello students, our today's topic is from Rama Mehta's novel Inside the Haveli. In this novel, Rama Mehta has created a strong character named Geeta. The whole novel revolves around this character. So now we are going to discuss Geeta एंड द हवेली। आज हम रमा मेहता के नोवेल इनसाइड द हवेली पर चर्चा करेंगे और उसमें भी हम चर्चा करेंगे गीता के कैरेक्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रमा मेहता ने इस नोवेल में उस हवेली का नाम जो लिखा है वो है जीवन निवास, और ये हवेली राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। तो किस तरह की वहां की परंपराएं हैं, किस तरह के वहां के संस्कार हैं, और वहां पर एक इस तरह की लड़की आकर के रहने लगती है जिसने इस तरह की परंपराएं कभी देखी नहीं है, जो कि मुंबई में या बॉम्बे में, उस समय के बॉम्बे में पली बड़ी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लुक एट द बोर्ड, गीता एंड हवेली। You know it very well that literature is the mirror of the society. साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। हमारे समाज में जो कुछ घटित हो रहा होता है उसी को साहित्य दिखाता है, और ऐसा ही इनसाइड द हवेली में हमको देखने को मिलेगा कि उस समय के तात्कालिक समाज में जो सिचुएशंस थी उन सिचुएशंस में गीता अपने आप को कैसे ढालती है, वो अपने एडजस्टमेंट के माध्यम से, अपने समायोजन के माध्यम से अपने आप को कैसे स्थापित करती है उस हवेली में, तो वो भी हम इस पूरी चर्चा के दौरान देखेंगे। इसके अलावा ये हमें भली भांति पता है कि ये हवेली स्थित है राजस्थान के शहर उदयपुर में। ये उसकी लोकेशन है, द हवेली जीवन निवास इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ उदयपुर वेयर The rule of Maharanas established. तो जहां पर महाराणाओं का शासन चलता था और एक तरह से सामंतवादी शासन का वो समय था, फ्यूडलिज्म का दौर था वो। बात करें अब हम सीधे सीधे गीता के कैरेक्टर की, इंडियन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट एक महिला में, एक पढ़ी लिखी महिला में जो संघर्ष रहता है कि उसका विवाह एक दूसरे परिवेश में हो जाता है, जिस परिवेश में वह पली बड़ी है वैसा परिवेश उसको नहीं मिलता है, तो उसके अंदर एक संघर्ष चलता रहता है जिसको कहते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडियन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट है गीता के अंदर, बिकॉज गीता वॉज एन एजुकेटेड गर्ल एंड सी वॉज मैरिड टू अजय सिंह। गीता एजुकेटेड लड़की थी, अजय सिंह के साथ उसकी शादी कर दी गई थी, अजय सिंह वॉज ऑल्सो एन एजुकेटेड बॉय, वो भी एजुकेटेड था, ही वॉज अ प्रोफेसर, वह प्रोफेसर था, लेकिन और जो कैरेक्टर्स हैं हवेली का जो एटमॉस्फियर है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो इसी को लेकर के गीता के मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मॉडर्न एजुकेटेड वुमन, गीता के कैरेक्टर की ये प्रमुख विशेषता है कि वो मॉडर्न एजुकेटेड वुमन है, आधुनिक शिक्षित महिला जिसने मुंबई के अंदर शिक्षा हासिल की है और जिसकी अपनी कुछ एस्पिरेशंस हैं, जिसकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। बट होता क्या है कि कंटेम्प्ररी सोसाइटी में, उस समय के समाज में उसकी जो शादी होती है वो उससे बिना पूछे होती है, जैसा कि उस समय ट्रेडिशन था। तो मॉडर्न एजुकेटेड वुमन है, बॉम्बे बेस्ड गर्ल, सी वॉज अ बॉम्बे बेस्ड गर्ल, वह बॉम्बे में पली बड़ी है। बॉम्बे बेस्ड का अर्थ है कि उसके अंदर जो तौर तरीके हैं वो बॉम्बे वाले हैं। आज भी हम एक अंतर देख सकते हैं एक रूरल एरिया में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य, हम
जो अंतर देखते हैं तो वो एक स्वाभाविक अंतर है, एक एक नेचुरल डिफरेंस होता है, तो वही नेचुरल डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो वो तो बॉम्बे बेस्ड गर्ल है, और उदयपुर कैसा शहर है, उदयपुर तो ट्रेडिशन बाउंड सिटी है, और उसमें भी वो हवेली जीवन निवास, वो भी क्या है, ट्रेडिशन बाउंड हवेली है, तो वो बॉम्बे बेस्ड गर्ल है, तो अपने आप को उसे स्थापित करना है उदयपुर में। और वो इस काम को किस तरह से करती है, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। हॉन्टेड बाय द गोस्ट ऑफ द हवेली, जब उसकी शादी हो जाती है तो जब वो हवेली में प्रवेश करती है तो सी सॉ कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ बॉम्बे। वह बिल्कुल एक नया वातावरण देखती है, और एक ऐसा वातावरण है जो कि मुंबई से बिल्कुल अलग है, तो वो उससे हॉन्टेड हो जाती है, डर जाती है कि मैं इसमें अपने आप को कैसे स्थापित कर पाऊंगी। तो हवेली के वातावरण से, हवेली के एक अजीबपन को देख करके वह डर जाती है कि वह इसमें कैसे रहेगी। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कि आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद जब वह हवेली में प्रवेश करती है तो वो इतनी सारी परंपराओं को देखती है। हवेली में जाने के बाद महिलाएं उसे घेरे रहती हैं, घूंघट उसके सिर पे पड़ा रहता है, घूंघट में यदि कोई कोई महिला ऐसा देखती है कि घूंघट सही नहीं है तो वो उसको आकर के सही करती है। तो ये एक अजीब सा वातावरण को देखती है, तो उससे वो एक हॉन्टेड बाय द गोस्ट ऑफ द हवेली, हवेली का भूत उसके मन में सवार हो जाता है, यानी हवेली नाम से डरने लग जाती है। ट्राइज टू कम आउट ऑफ द ट्रेडिशन बाउंड हवेली, शुरुआत में तो वो ऐसा सोचती है कि मुझे इस हवेली के वातावरण से बाहर निकलना होगा, और एक दिन मैं अजय सिंह के साथ बाहर चली जाऊंगी। तो वो कोशिश करती है कि इस हॉन्टेड एटमॉस्फियर ऑफ द हवेली, हवेली के एक खतरनाक वातावरण से वह बाहर निकल करके आए, ऐसी कोशिश वह करती है। स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्फिडेंट ऑफ लाइफ अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्फिडेंट ऑफ लाइफ अहेड। व्हेन सी वाज अनमैरिड, When Geeta was unmarried, she was confident and spontaneous of life ahead. यानी वह आने वाले जीवन के प्रति बहुत उत्साही रहती है। कब? जब उसकी शादी नहीं होती है। उसके मन में कुछ सपने हैं, उनके वो सोचती है कि मैं एक फ्री लाइफ, मुझे एक फ्री लाइफ मिलेगी, जैसा कि मुझे यहाँ पर कॉलेज और घर में मिल रही है। तो उस समय वो बहुत उत्साही किस्म की लड़की है, स्पॉन्टेनियस है, यानी स्वाभाविक रूप से उसके मन में एक उत्साह भरा रहता है, और लाइफ अहेड, आने वाली जिंदगी के प्रति वो एक ऐसा दृष्टिकोण रखती है जिसमें वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अफ्रेड ऑफ हर ओन ऑकवर्डनेस, वह अपने आप से ही डरने लग जाती है, वे अपने आप से डरी हुई है, क्योंकि वे अजीब हो गई है हवेली में जाकर, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह के एटिकेट फॉलो करे, किस तरह के एटिकेट फॉलो ना करे। तो सी वॉज एट अ लॉस व्हाट टू बी फॉलोड और व्हाट टू बी नॉट, कि उसे क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना है। हो सकता है उससे कोई चूक हो जाए, क्योंकि वह तो इन चीजों के अभ्यस्त है नहीं, वह जीवन निवास की परंपराओं की अभ्यस्त है नहीं, तो उसे सिखाया जा रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको रिवर्स गियर में जैसे गाड़ी को ले जाते हैं ना, कि वापस वो उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं की तरफ खिंची चली जा रही है। तो वो ये सोचती है कि मैं इस रूढ़िवादिता में एक ऑकवर्डनेस फील कर रही हूँ, मैं अपने आप को एक अजीब वातावरण में पा रही हूँ, तो वो उससे डरने लगती है मन ही मन में। हवेली इज अ केज, और वो ये देखती है कि वहां पर इतने सारे देयर वर सो मैनी सर्वेंट्स, देयर वर सो मैनी मेंबर्स इन द हवेली, और हवेली का अपना एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, हवेली के अपने नियम है, उन नियमों के अकॉर्डिंग सबको बिहेव करना पड़ता है।
तो उस हवेली के अकॉर्डिंग सबको बिहेव करना पड़ता है, और महिलाएं तो उस हवेली के अंदर ही रहती हैं, तो वो ये समझती है कि हवेली ऐसा केस, हवेली पिंजड़े के समान है, क्योंकि महिलाएं अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती, ना ही वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकती है, यानी ऑल द डिसीजंस, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द माइंडसेट ऑफ द मेल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स ऑफ द हवेली, हवेली के जितने भी पुरुष सदस्य हैं उनके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो महिलाओं के लिए तो हवेली क्या है, हवेली इज अ केज, ऐसा वो फील करती है। हेट्स फस एंड प्रिटेंस ऑफ द हवेली, अब हवेली में इतने सारे शिष्टाचार हैं, हवेली के अंदर इतने सारे कस्टम्स ट्रेडिशन हैं कि वो इस सबको क्या मानती है, फस, कि इतना हो हल्ला और इतना प्रिटेंस, इतना दिखावा क्यों होता है, तो वो इस सबको फस और प्रिटेंस मान करके चलती है। वो ये देखती है कि हवेली के अंदर जो एटमॉस्फियर क्रिएट किया गया है, और ये एटमॉस्फियर क्यों क्रिएट किया गया है, एटमॉस्फियर क्रिएट किया गया कि हमारी परंपराएं बनी रहें, तो वो ये मान करके चलती है कि जो परंपराएं आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं उनको हमको क्या कर देना चाहिए, उनको हमें गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन वो परंपराएं अभी भी वहां पर चल रही हैं, तो वो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज को फस और प्रिटेंस मान करके चलती है। प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना, दिखावा, फस का अर्थ है हो अल्लाह, यानी कि सब कुछ बेतुका सा लगता है उसे वहां पर। तो हम कह सकते हैं कि गीता हेट्स फस एंड प्रिटेंस ऑफ द हवेली, रिबेल्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस। देखिए ये बहुत ही विरोधाभासी बात हो सकती है कि जब वो हवेली में प्रवेश करती है, when she enters into the हवेली, when she enters the हवेली, she rebels the etiquette, the customs, the traditions of the हवेली, वे हवेली की परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करती है, and she doesn't like all this fuss and all this pretense, वो इस सब को वहां पर पसंद नहीं करती है, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट की पावर ऐसी है कि धीरे 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 वह हवेली में, यानी कि जीवन निवास में अपने आप को समायोजित कर लेती है। यानी समायोजन एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन एंड में क्या होता है, इन द एंड सी कॉम्प्रोमाइजेस, तो अंत में वह समझौता कर लेती है हवेली के उस एटमोस्फियर के प्रति, हवेली के उस वातावरण के प्रति जिसको वह कभी अच्छा नहीं मानती थी, तो उसी वातावरण में वह ढल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इन द बिगनिंग सी डजंट लाइक द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द हवेली एंड सी रिवेल्स, बट इन द एंड सी कॉम्प्रोमाइजेस एंड एक्सेप्ट ऑल द ट्रेडिशंस ऑफ द हवेली, और अंत में वह हवेली की सारी परंपराओं को एक्सेप्ट या स्वीकार कर लेती है। स्लो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ये उसके कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। गीता के अंदर एडजस्टमेंट और पावर तो है लेकिन बहुत स्लो है, तो स्लो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, धीरे 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 करके वह अपने आप को एडजस्ट या समायोजित कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि गीताज कैरेक्टर हैज द पावर ऑफ स्लो एडजस्टमेंट, उसके कैरेक्टर के अंदर स्लो एडजस्टमेंट की क्षमता है, और तभी वह अपने आप को सर्वाइव कर पाती है वहां पर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हवेली की दीवारों को तोड़ करके वह उड़ जाए, तो इससे बेहतर तो यही है कि अपने आप को यहां पर एडजस्ट कर लो। हालांकि वो काफी चेंजेस भी लाती है उस हवेली में, लेकिन सारा चेंज एक साथ नहीं आ सकता, तो खुद को भी कुछ ढलना पड़ेगा, दूसरे लोगों को भी कुछ बातें समझानी पड़ेंगी, तो उसके अंदर स्लो प्रोसेस चलती है एडजस्टमेंट की, तो धीरे 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 करके वह एडजस्ट हो जाती है उस हवेली में। रेजिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस टू पर्दा, शुरुआत में वह पर्दा को अच्छा नहीं मानती, लेकिन बाद में वह पर्दा को एक्सेप्ट कर लेती है। पहले तो वो रेजिस्ट करती है, विरोध करती है पर्दा का, लेकिन बाद में वह ये मान करके चलती है कि पर्दा ठीक है, क्योंकि पर्दा, जब उसके मुंह पे पर्दा रहता है तो वह अपने
मन में कुछ भी सोच सकती है, क्योंकि वह किसी और को दिखाई देगा नहीं, उसका चेहरा भी क्या एक्सप्रेशन आ रहा है उसके चेहरे पर, उसके चेहरे के भाव किसी को दिखाई तो देंगे नहीं। जब लोग बातचीत में व्यस्त होंगे तब भी वह अपने मन के हिसाब से सोच सकती है, अपने मन के हिसाब से अपने चेहरे पर अभिव्यक्तियां ला सकती है, तो इस वजह से वह पर्दा को भी एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि देखिए पॉजिटिविटी कितनी है गीता के अंदर, वो इसको एक पॉजिटिव वे में ले जाती है पर्दा को। सी थिंक्स दैट सी इज एबल टू थिंक इवन वेन अदर्स आर इन्वॉल्व इन मेयर टॉकिंग। वह सोचती है कि जब अन्य लोग बातचीत में व्यस्त हैं तो उस समय वह सोच सकती है और अपनी अभिव्यक्तियों को अपने चेहरे पर ला सकती है, कोई किसी को पता ही नहीं लगेगा कि उसके मन में चल क्या रहा है या उसके चेहरे की अभिव्यक्तियां क्या है। हेल्पिंग नेचर है उसका, जितने भी सर्वेंट्स हैं उनके उनके साथ उसका बिहेवियर अच्छा रहता है और उसका जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर है, क्योंकि हम देखते हैं कि वह हमेशा हेल्प करने के लिए किसी भी सर्वेंट को तैयार रहती है। रिस्पेक्ट्स सर्वेंट्स, वह सभी नौकरों का सम्मान करती है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, वह उनको ये फील नहीं होने देती कि आप नौकरों और मैं मालिक हूँ, तो ये उसके कैरेक्टर के का एक बहुत बड़ा पॉइंट कह सकते हैं हम। और इसके अलावा वो काइंड भी है, दयालु है, और वो ये मानती है कि देखो सीता और उसकी जो विजय भाई सा है दोनों को साथ साथ पढ़ने जाती हैं, तो वो ये नहीं सोचती कि ये हमारे नौकर की लड़की है, दोनों को वो साथ साथ पढ़ाने की कोशिश करती है। इसके अलावा वह अपने घर में स्कूल भी चलाने की कोशिश करती है। तो इतने सारी बातें उसके कैरेक्टर में समाई हुई हैं गीता के। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये पूरा का पूरा नोवेल है वो गीता के कैरेक्टर को इस तरह से समेटे हुए है कि हमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों का एक संघर्ष सा देखने को मिलता है, और अंत में हम ये देखते हैं कि एक महिला को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये उस समय की सोसाइटी की विशेषता थी कि महिला चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन एंड में उसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता था। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बीजे एजुट्यूअर और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहें। थैंक यू।